हमारे बीच दो वक्ता बचे हुए हैं, एक सशक्त वक्ता के रूप में जिनकी आवाजों के मुरीद JNU ही नहीं बल्कि पूरा देश रहा है, उन्हीं वक्ताओं के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं जयंत जिज्ञासु को। आप आए और अपना विचार व्यक्त करें। जयंत जिज्ञासु, प्रिय दोस्तों, आज हमारे जनकवि रमाशंकर यादव विद्रोही जी की तीसरी पुण्यतिथि है और छात्र राजद ने आज उन्हें उनकी उन विद्रोही तेवर की कालजयी रचनाओं का पाठ करते हुए भावांजलि देने का यह कार्यक्रम रखा और आपने अभी कई साथियों को सुना उनकी कविताओं का पाठ करते हुए। विद्रोही जी के बारे में कुछ बातें जरूर साझा करना चाहता हूँ। मैंने उन्हें 2013 में पहली बार देखा और एक दुर्बल काया का व्यक्ति जो इस कैंपस के हर ढाबों हर थौर ठिकानों पर आपको नज़र आ जाता था और उनके अंदर मैं समझ नहीं पाता था कि किस बात का यह आक्रोश है। जैसा जैनेन्द्र भाई कह रहे थे कि उनमें कबीर का फक्करपन था और सही मायने में उन्होंने कबीर को आत्मसात कर लिया था और वही जीवन शैली थी, लेकिन यह जीवन शैली बहुत स्वाभाविक नहीं थी। जो बाद के दिनों का उनका जीवन है उसमें यूं कहें कि जो अकादमिक कोट अनकोट व्यवस्था है उसका भी वो शिकार हुए और बहुत ही रिग्रेसिव माइंडसेट के जो प्रोग्रेसिव लोग इस कैंपस में हैं और वो जिस तरह से बहुत उदीयमान और संभावनाशील लोगों को कई बार अवसाद के गर्त में धकेल देने से भी बाज नहीं आते, हाँ कुछ अकादमिक अनुशासन जरूर होते हैं लेकिन कई बार बहुत सारे साथियों को इस कैंपस की चहारदीवारी से बिना अपना कोर्स पूरा किए हुए बाहर जाना पड़ता। आज मैं समझता हूँ कि उनकी रचनाओं में जो युगबोध की उर्वरता है, जो हर तरह का एक किस्म से यूं कहें कि सच्चा दर्शन मिलता है, चिंतन की अनुभूति होती है और हर प्रकार की जो अमानुषी सत्ता है, पोंगापंथ है और दकियानुषी ख्यालात पर जो चोट करने की और खुलेआम चुनौती देने की जो उनकी प्रकृति है वो लगभग हर रचनाओं से परिलक्षित होती है। मुझे ध्यान आता है जब वो गुजरे और हम लोग उनकी उनके शब्दाह से लौटे थे और ठीक उसके पहले आज जिसको हम लोग चफलास बोलते थे, जिसको विद्रोही भवन के रूप में आज हम जान रहे हैं, मैनेजर पांडे बोल रहे थे और मैनेजर पांडे ने यह कहा कि मेरे पूरे जीवन काल में विद्रोही अगर इकलौता शिष्य भी होता तो भी मैं अपने आप को सफल शिक्षक मानता। यह एक बड़ा वक्तव्य है इस देश के हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक द्वारा, यह स्वीकारोक्ति, यह बताती है कि उनका क्या मेयार था, उनकी रचनाओं का क्या स्तर था। और एक बार विद्रोही जी मैनेजर पांडे जी को स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के ऑडिटोरियम में शिकायत करते हुए पाए जाते हैं कि सर कुछ लोग मेरी आलोचना कर रहे हैं इन दिनों, और आप जवाब सुनिए पांडे जी का, मैनेजर साहब का, उनके कंधे पर धौल जमाते हुए, अरे विद्रोही इन आलोचनाओं की तुम क्यों फिक्र करते हो, अब विद्रोही का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हालांकि बिगाड़ की जगह उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश में एक प्रचलित जो देशज है उस लफ्ज का इस्तेमाल किया था। तो कहने का मतलब कि विद्रोही जी इस JNU की रिवायत के सबसे प्रतिनिधि व्यक्ति कहे जा सकते हैं। और 3 साल पहले मैंने जो कुछ उन्हें भावांजलि देते हुए लिखा था और जिसका भी पाठ किया साथी ने, विद्रोही जी के साथ, विद्रोही जी से माजरत के साथ मैं कहूं
जेएनयू के इतिहास में वो पहला व्यक्ति कौन था, जेएनयू के इतिहास में वो पहला व्यक्ति कौन था जिसे जलील कर निकाला गया, जेएनयू के इतिहास में वो पहला व्यक्ति कौन था जिसे जलील कर निकाला गया, वो मेरा काका, मामा, मेरी बहन रही होगी। जेएनयू में आगे वो कौन लोग होंगे जिन्हें बेशर्मी से बाहर फेंका जाएगा, वो मेरे सताए हुए भाई, बहन, यार होंगे, और ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। यही हमारी कोशिश है, ये हम सब साथियों की, हम लोग लगातार इस कैंपस में जो कुछ भी रिग्रेसिव ढंग से पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जा रही है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और वाइवा वोसे के मार्क्स बढ़ा देने का मामला हो, या फिर हमारे जो कबीलाई कस्बाई इलाके से लोग आते हैं जिनको माउस तक पकड़ने नहीं आता है, उनको ऑनलाइन एंट्रेंस के जंजाल में फंसा दिया गया है, अगर हम इन तमाम संघर्षों को ईमानदारी से लड़ सकें तो विद्रोही जी के प्रति वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, और हम सब यकीनन उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और संघर्ष करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए उनकी एक कविता जो बहुत ही मशहूर है, बहुत मकबूल है, जनगणमन, उसका पाठ करने जाऊंगा। मुझे माफ करना मेरे दोस्तों, मैं एक पराजित योद्धा हूं और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई उपदेश नहीं है। इसलिए नहीं कि मुझे बिठा दिया गया है प्यास के पहाड़ों पर, कि मेरी आंखों में टांग दिया गया है भूख का भूगोल, कि मेरी अंतरियों को मरोड़ कर भींच दिया गया है मुट्ठियों के बीच, कि मेरी आत्मा पर पतन का अंतिम प्रहार कर दिया गया है, वरन इसलिए कि न तो मौत आती है और न मैं ये बात भूल पाता हूं कि मैं एक योद्धा हूं और पराजित हो गया हूं। मैं एक पराजित योद्धा हूं और पड़ गया हूं मौत का बिस्तर बिछाकर, जलते हुए समंदर की बर्वाग्नि में। मैं सोचता हूं कि मैं बुरे फंसा, मौत सोचती है कि मैं बुरे फंसी, समंदर सोचता है कि मैं बुरे फंसा, और अग्नि समझती है कि मैं बुरे फंसी। मैं सोचता हूं कि ये मौत बिन मारे मुझे छोड़ेगी नहीं, मैं सोचता हूं कि ये मौत बिन मारे मुझे छोड़ेगी नहीं, और मौत सोचती है कि ये आदमी तो मरेगा नहीं, और समंदर सोचता है कि इस झगड़े का तो कोई अंत ही नहीं है, और अग्नि सोचती है कि जब तक अंत नहीं होगा तब तक जलना पड़ेगा। फिलहाल मैं एक पराजित योद्धा हूं और पड़ गया हूं मौत का बिस्तर बिछाकर, जलते हुए समंदर की बर्वाग्नि में। मैं भी मरूंगा और भारत भाग्य विधाता भी मरेगा, मरना तो जनगणमन अधिनायक को भी पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले जनगणमन अधिनायक मरे, फिर भारत भाग्य विधाता मरे, फिर साधु के काका मरे, यानी सारे बड़े बड़े लोग पहले मर लें, फिर मैं मरूं आराम से उधर चलकर बसंत ऋतु में, जब दानों में दूध और आमों में बौर आ जाता है, या फिर तब जब महुआ चूने लगता है, या फिर तब जब वनवेला, या फिर तब जब वनवेला फूलती है, नदी किनारे मेरी चिता दहक कर महके, और मित्र सब करें दिल लगी। नदी किनारे मेरी चिता दहक कर महके और मित्र सब करें दिल लगी। ये विद्रोही भी क्या तगड़ा कवि था कि सारे बड़े बड़े लोगों को मारकर तब मरा। और साथियों, ये सच है कि विद्रोही संघर्षों में मरे, ऑक्युपाई रेजिस्टेंस मूवमेंट के दौरान वो मरे, ऐसी मौत बहुत कम लोगों को मयसर होती है। वो कहते हैं कि मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस, मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस, यूं तो आए हैं सभी दुनिया में मरने के लिए। तो इसलिए विद्रोही जैसे लोग बार बार नहीं आते, हमारी यही कोशिश है कि विद्रोही को जिस रूप में मरना पड़ा और जिस रूप में इस कैंपस में वो नजर आते थे, अगर व्यवस्था के वो शिकार नहीं हुए होते तो उन्हें हम लोग किसी और रूप में भी याद कर रहे होते। आगे किसी भी विद्रोही के साथ इस तरह का बर्ताव, इस तरह का सलूक इस कैंपस में नहीं हो, यह हम सब की, हमारी इस नस्ल की, इस नई खेती की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। आप सभी साथी बहुत ही संजीदगी के साथ आए और विद्रोही जी को हम सब ने इस रूप में याद किया, हम आगे भी उनकी परंपरा को बरकरार रखें। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने सुना अभी वियोगी विद्रोही जी के बारे में, उनके जीवन के से जुड़े हुए संघर्ष, उनकी कविता, उनकी ग्रामीण संस्कृति, लोक संस्कृति की पकड़, इन सारे बिंदुओं पर आपने
उनके जीवन से जुड़े हुए सारे विचारों को, संघर्षों को, व्यवहारों को आपने जिया, जाना, पढ़ा। मैं पंत के शब्दों में कहना चाहूंगा, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजी होगी गान। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजी होगी गान। उमड़ कर चुपचाप आंखों में वही होगी कविता अनजान, वही होगी कविता अनजान। ऐसे ही कविता हमारे विद्रोही जी के हैं। और मैं जयशंकर प्रसाद के शब्दों में कहूँ तो, ले चल बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोला हल्की अवनी रे। ऐसे ही निश्चल प्रेम की खोज करने वाले हमारे विद्रोही जी थे। आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, खैर मकदम, स्वागत। आप लोगों ने अपना विचार व्यक्त किया और विद्रोही जी के पुण्यतिथि पर उसे श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।